आप देख रहे हैं UMH News। बुलंदशहर जनपद से शिवसेना ने उतारे 3 प्रत्याशी। बुलंदशहर में शिवसेना ने भी चुनावी ताल ठोक दिए और उन्होंने 3 प्रत्याशी क्षेत्र में उतारे हैं, जो अन्य प्रत्याशियों को टक्कर देने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं शिवसेना के जिलाध्यक्ष सर्वेश राणा जमकर भाजपा पर बरसे और वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। बुलंदशहर से सचिन अग्रवाल की रिपोर्ट। रश्मि सिंह गोल्डी। कहाँ से प्रत्याशी हैं? अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र सरसठ। आपकी क्या विकास के क्या मुद्दे, किस तरीके से आप क्षेत्र का विकास कराएंगे? देखिए, मैं चहुमुखी क्षेत्र का विकास करूंगी और जो मेरी माता बहनें बेटियों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ी रहूंगी और जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने की कोशिश करूंगी। अनूपशहर में इतने दिग्गज प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आप उन्हें कैसे टक्कर दे पाएंगी? देखो, ये तो हवा फायर करने वाले नेता हैं, जमीर नेता कोई नहीं है। जैसे कि जो बीजेपी के नेता हैं। अनूपशहर में आप रहते हैं, आपको क्या मुख्य समस्या नजर आई जिसे आप दूर करा सकती हैं? देखो, जो गंगा पे बने हुए घाट हैं, सबसे पहले तो गंदगी रहती है। जो गंदे नाले का पानी है वो गंगा माँ के अंदर जा रहा है। सबसे पहले मैं उसके लिए सीवर प्लांट बनवाने की प्रयास करूंगी। क्या नाम है आपका? अमित तोमर। आप सिकंदराबाद से, जो विधानसभा प्रत्याशी शिवसेना का, आपके मुख्य विकास के मुद्दे क्या हैं? जी, अभी जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं काफ़ी सारे हैं। सबसे गंभीर मुद्दा वहाँ पे है कि जो हमारे विधानसभा में जो वर्तमान विधायक हैं और सांसद हैं, पिछले 10 वर्षों से दोनों लगातार हैं वहाँ पे, आज भी इतना बुरा हाल है कि हल्की सी बारिश होती है तो गांवों में, घरों में पानी भर जाता है। जो छोटी छोटी कमियाँ हैं, पानी जैसी समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं, वो विकास क्या करेंगे? नाली खरीदों की समस्या मेन होती है, जो इससे नहीं दूर पा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? बाकी किसानों की समस्याएँ हैं, हमारे क्षेत्र में गौशालों की समस्याएँ हैं, क्षेत्र में गौशालाएँ नहीं हैं, उसकी वजह से हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। खेतों में जो गौवंश हैं वो काफ़ी खुली मात्रा में घूम रहे हैं और अगर उनको कसाई काटते हैं तो वो भी दुर्भाग्य की बात है। तो इसलिए सिकंदराबाद एक औद्योगिक नगरी होने के बाद भी लाखों श्रमिक वहाँ काम करते हैं, आज तक उस क्षेत्र में इतना विकास क्यों नहीं हो पाया है जिससे श्रमिकों को आवास सुविधा, लाइट बिजली व्यवस्था मिल सके? सिकंदराबाद बुलंदशहर जिले का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, उसके बावजूद भी विकास इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता। स्थानीय लोगों को रोजगार वहाँ पे गंभीर समस्या है। क्या भाजपा के प्रत्याशी को टक्कर दे पाएंगे? जी बिल्कुल, पुरजोर तरीके से शिवसेना परिवार के साथ में हम लोग लड़ेंगे, अपनी विचारधारा के साथ में लड़ेंगे, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो इसलिए हम जो है समस्याएं जानते हैं, क्षेत्र की समस्याएं क्या है, क्षेत्र की समस्याओं को हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश राणा, शिवसेना जिला अध्यक्ष बुलंदशहर। तो आपके कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में है? हमारे शिवसेना से 3 प्रत्याशी हैं। अनुक्सर से रश्मि गोल्डी सिंह लड़ रही हैं, ये हमारे साथ हैं, और अनुक्सर से ये हो गई हैं, और सिकंदराबाद से हमारे अमित तोमर जी हैं, और डिवाई से पूर्व में 2 बार विधायक रहे श्री भगवान दास उर्फ गुड्डू पंडित जी हैं, तीनों प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं। और हमारे जो मुद्दे हैं, हम मुद्दे कोई झूठे वादे नहीं करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, अच्छे वादे करेंगे, उन वादों को। तीनों जगह भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है? भाजपा का एक भी प्रत्याशी हमको टक्कर नहीं दे रहा, क्योंकि पूर्व में वो विधायक रहे, वो जनता के बीच नहीं गए, जनता के कार्य को नहीं किए, विकास नहीं किया। खाली भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है, जो जुमला तो रचती है मगर हिंदुओं को भी ठगती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। आपको कैसे लगा कि भाजपा हिंदुओं को ठग रही है? अरे, हिंदुओं को ठग रही है भाजपा, क्योंकि ना तो रोजगार दे रही है। आज माँ बाप डिग्रियां दिलाकर बच्चों को बेरोजगार बना दिया, ऐसे बच्चों को क्या मैं घरों में बैठे हुए हैं, माँ बापों ने अपनी गाड़ी कमाई खेती बेचकर, अपना जमीन बेचकर क्या मैं बच्चों को पढ़ाया, वहाँ ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना नौकरी है, ना लोग भूखे मर रहे हैं। ये कैसी सरकार है? ये भारतीय जुमला पार्टी है, खाली ठगती है और जुमला रचती है। अगर आपके तीनों प्रत्याशी अगर जीत जाते तो आप कैसे विकास कराएंगे? हमारे तीनों प्रत्याशी जीतेंगे और जीत रहे हैं। हमारा प्रथम जनता को रोजगार देना, बच्चों को शिक्षा देना, माताओं बहनों की रक्षा करना, हम इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और
जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती है ना, वो नकली पार्टी है। शिवसेना ही असली पार्टी है, क्योंकि इसका ध्वज भगवा है और भारतीय जनता पार्टी का आधा जो है वो ध्वज भगवा है और आधा हरा है। अगर कहीं भी अगर हिंदुत्व की बात होती है तो वो खाली शिवसेना में होती है, कोई दूसरी पार्टी में नहीं। जिसे आज मैं सदस्यता ले पाई हूँ। देश व प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल UMH News को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, एवं UMH News पर विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 9528413080 पर।